एक रोटी एक वक्त में कितने स्किंट में कितने मिनट में बनाता है, जितने तुम पकाते हो उतना उतना पक जाता है। ये व्यूअर्स इसके अंदर वाला पोर्शन दिखाएं, इसके ऊपर इसमें ईरानी कौन सा है? ईरानी वाला ये। अफगानी कौन सा है? ये अफगानी है। ये अफगानी है, इसमें छोटा साइज होता है? छोटा साइज ये दिखाओ जरा, निकालो बाहर इसको। ये ऐसे लगता है जैसे पुराने जमाने का कोई बर्तन है, पोर्ट है पुराने जमाने का, लेकिन ये प्रेशर कुकर है और जो के ऐसे बंद हो जाता है। सेफ्टी वाला है, सेफ्टी वाला है। इसका कीमत क्या है? फटने का खतरा नहीं है, मतलब कि जैसे नॉर्मल जो कुकर होते हैं, आए दिन खबर छपती है इतने मर गए, हादसा हो गया, कुकर फट गया, ये तो नहीं फटेगा पक्का पक्का। ये कितने का देंगे? ये है कहाँ का? ये रूसी, अरूस का, रूस का। इसका वजन भी देखो, ये अरूस का देश का देखे। पाकिस्तान में इस तरह की चीजें कहां से मिलती हैं? ये नंबर भी अगर आप देख सकते हैं, अरूस का नंबर लगा हुआ है। ये क्या चीज बाबा जी पकड़ लिया आपने? ये तवे रोटी पकाने वाला, रोटी पकती है इसमें? हाय जी, काबल वाला है, काबल वाला है। तो ये काबल का कितने का दे रहे हैं तवा? चम्मच, चम्मच। ये किस तरह दे रहे हैं? देखें जी, अरूसी कुछ है ये, इसके अंदर गिलास चाय वाला कप डाला जाता है और इजिली चाय आप पी सकते हैं। ये कितने का दे रहे हैं जी? बाबा जी आपके पास सारा रूस, ईरान, अफगानिस्तान का माल है माशाल्लाह। हाँ सारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान, मैं हूँ आपको शहबाज बेग। नाज़रीन आज फिर शहर पेशावर में मौजूद हूँ, कारखाना मार्केट के बिल्कुल करीब तारा मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ ईरानी अफगानी लाटों का सामान आता है, फ्रेश सामान आता है, बिल्कुल नया सामान आता है। जो चीज़ें ईरान और अफगानिस्तान में इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें इनकी शॉप में मिलती हैं। इनकी शॉप का नाम है उमर गुल क्राकरी स्टोर। उमर गुल क्राकरी स्टोर के जो ऑनर हैं ये बुज़ुर्ग हैं, बड़े इनकी मेहरबानी, इन्होंने आप व्यूअर्स के लिए परमिशन दी वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ओमन नमा तंदूर मौजूद है, इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है सब। ये तंदूर आप बता रहे हैं जी, ये कहाँ का है? ईरान का है। ईरान का है, क्या क्वालिटी की है इसकी? इसका क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है और गैस का है, गैस पे चलता है। और ये कितने नान एक वक्त में बना देता है? कितना रोटियां एक वक्त में बना देता है? एक रोटी बनाते हैं, एक रोटी एक वक्त में कितने स्किंट में कितने मिनट में बनाता है? जितना तुम पकाते हो उतना उतना पक जाता है। ये व्यूअर्स इसके अंदर वाला पोर्शन दिखाएं, इसके ऊपर रोटी रखा जाता है, उसके बाद हल्का हल्का ये खुद घूमता है और इस तरीके से ये बाहर रोटी को आप निकाल देते हैं। नीचे देखें गैस का वो चूल्हा नुमा बना हुआ है। और इसकी कीमत क्या है जी? 8000। 8000 रुपए कीमत है जनाबे वाला। ये क्या चीज है? ये पाकिस्तानी कुकर है। इसमें ईरानी कौन सा है? ईरानी वाला ये। अफगानी कौन सा है? ये अफगानी है। ये अफगानी है, इसमें छोटा साइज होता है? छोटा साइज ये। दिखाओ जरा, निकालो बाहर इसको, बंद करके दिखाओ। ये देखें व्यूअर्स, ये ऐसे लगता है जैसे पुराने जमाने का कोई बर्तन है, पोर्ट है पुराने जमाने का, लेकिन ये प्रेशर कुकर है और जो के ऐसे बंद हो जाता है। सेफ्टी वाला है, सेफ्टी वाला है। इसका कीमत क्या है? इसका 3000। तो सेफ्टी का मतलब क्या, क्या सेफ्टी है इसकी? वेल, इसका खतरा नहीं है ना, फटने का खतरा नहीं है, मतलब कि जैसे नॉर्मल जो कुकर होते हैं, आए दिन खबर छपती है इतने मर गए, हादसा हो गया, कुकर फट गया, ये तो नहीं फटेगा पक्का पक्का। ये कितने का देंगे? 3000। 3000 रुपए का प्रेशर कुकर, इसमें बड़े साइज का जो ये लगा हुआ है, बड़े साइज। ये कितने लीटर है? 20 लीटर। ये कितने का? 20 लीटर। 6000। 20 लीटर 6000 रुपए का। 15 लीटर कितने का है? 5500। और ये? ये 3000। 3000 रुपए का प्रेशर कुकर आपको मिल रहा है। ये देख चुन का देखे, दिखाइए दिखाए। ये है कहाँ का? ये रूसी, अरूस का, अरूस का। इसका वजन भी देखो, ये अरूस का देश का देखे। पाकिस्तान में इस तरह की चीजें कहाँ से मिलती हैं? ये नंबर भी अगर आप देख सकते हैं, अरूस का नंबर लगा हुआ है। इसकी कीमत क्या है? इसका कीमत 6000। इसका आप 5 नंबर देंगे, 5 नंबर दे 6000 रुपए का। काला तो नहीं होगा ये? ना 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 जी, काला नहीं होगा, अरूस का बड़ा स्पेशल चीज है और ये 6000 रुपए का मिल रहा है। इसके अलावा ये क्या चीज है? ये कहाँ का मेड है? ये पाकिस्तान वाला क्वालिटी है। इसमें ये जो ये वाला ये कौन सा? ईरान का। ईरान का कितने का दे रहे हैं? ईरान का 7000। और पाकिस्तानी? 3800। 3800। ये क्या चीज बाबा जी पकड़ लिया आपने? ये तवे रोटी पकाने वाला, रोटी पकती है इसमें? हाय जी, काबल वाला है, काबल वाला है। काबल तो ये काबल का कितने का दे रहे हैं तवा? ये 1800 रुपए। 1800 रुपए का तवा है।
तो बाबा ये महंगा तो नहीं दे रही है कहीं? ना, 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 पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया? आप बताओ ना क्या कह रहे हैं बाबा जी? डॉलर बहुत महंगा हो गया। डॉलर बहुत महंगा हो गया, 1800 रुपए का ये तवा मिलेगा। इसके अलावा भी जनाबे वाला इनके पास जदीद तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। ये कड़शियाँ क्या कहते हैं इसको जी? ये क्या कहते हैं इसको भाई? चम्मच। चम्मच ये किस तरह दे रहे हैं? ये 400 रुपए। 400 रुपए का एक चम्मच। ये क्या है जी? ये भी चम्मच। ये बड़े देगी चम्मच है। इसके अलावा और क्या क्या होता है आपके पास? सब चीज हमारे पास है। ये तो थर्मस ग्लास फ्रांसे वाला। अच्छा, ये क्या है? ये तो कढ़ाई है। ये पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी। ये कितने की है? चाइना वाला। चाइना की कितने की है? ये 1800। कितने की है? 1800 जी। 1800 रुपए में ये जनाबे वाला आपको दे रहे हैं। इसके अलावा जनाब ये क्या चीज पकड़ ली बाबा जी ने? ये क्या है जी? गिलास वाला, पीने वाला के गिलास सुर्ख होता है ना? हाँ 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 हाँ। इसके अंदर डाल। वाह, देखें जी अड़ूसी कुछ है ये। इसके अंदर गिलास चाय वाला कप डाला जाता है और इजिली चाय आप पी सकते हैं। ये कितने का दे रहे हैं जी? ये 250 रुपए जी। 250 रुपए की दर्जन? नहीं, एक दाना है। एक दाना 250 रुपए का दे रहे हैं। ये देखें जी, ईरानी है, ईरान का है। बाबा जी आपके पास सारा रूस, ईरान, अफगानिस्तान का माल है माशाल्लाह। हाँ सारा। ये कितने का है? ये 1600 रुपए जी। 1600 रुपए का। अच्छा जी, इसके अलावा इनके पास हर टाइप का पतीला है, हर टाइप का कप है, जूसर मशीनें हैं, नॉनस्टिक बर्तन हैं, चॉपर हैं, जनाबे वाला हर चीज इनके पास मौजूद है। होलसेल पे मिलता है। होलसेल पे भी और एक पीस भी मिलेगा। एक पीस भी मिलेगा। एक पीस। अपना एड्रेस मेरे व्यूवर्स को बताना जरा। सितारा कारखानो, सितारा मार्केट। ओके, 22 नंबर दुकान, उमर गुल कराकरी हाउस। इनका जो नंबर है, उमर गुल नाम है इनका, 0345-90-98-173। ये इनका नंबर है, ये इनका कार्ड है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इस नंबर पे रब्ता करके आप परचेजिंग कर सकते हैं जनाबे वाला। तो व्यूवर्स उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई शबाज़ भाई को दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।